हेलो ऑल गाइज, मैं काजल और आप सभी को स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल काजल मिथुन ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ अलग टाइप का बोली, उसे इग्नोर कीजिएगा। और आज का, जैसे आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। और मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा ऐसा कर रही हूँ ना, इतना बाल आ जा रहा है। अभी तो नहीं है क्योंकि झाड़ दी, सारा गिर गया। तो चलिए, आज हम आपको दिखाऊंगी अपना रूम, अपना घर, हम लोग किस रूम में रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितना एक ही रूम में, मतलब सब कुछ मैं चलो आप लोग को दिखाती हूँ आज। सब मिला के कहे तो मैं अपना आज होम टूर कराने वाली हूँ आप लोग को। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हमारा घर, छोटा सा एक रूम, प्यारा सा, कितना अच्छा है। और इसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें कि हम मानसिक पापा। तो चलिए हम फटाक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ अलग देख रही हूँ क्योंकि ये इयररिंग मैं सोची कि जब से खरीद कर लाई हूँ तब से एक भी बार नहीं पहनी हूँ, ना यूज की हूँ। मतलब वो रील्स वगैरह बनाने के लिए लाई हूँ, वीडियो बनाने के लिए खरीद के, तो सोची कि आज क्यों ना पहनूँ। जैसे रहती वैसे बनाते रहती। आप लोग भी सोचते हैं, बोलते हैं कि काजल दी अपना हेयर स्टाइल कुछ कुछ लुक चेंज किया करो, ब्लॉग में कुछ इम्प्रूव लाओ। तो हमसे जो हो सकता है, हो सका, मैं तो करती हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं दिखाती हूँ अपना होम टूर बैक कैमरा से। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा तो बड़ा सा बिल्डिंग, मेरा कह सकते हैं अगर हम जब इसमें हम हैं तो मेरा ही बोल सकते हैं। और दीदी उधर रही तो उनका भी रूम हम दिखा देते हैं। वो पर्दा लगा उनका रूम है, एक्चुअली मैं कपड़ा वगैरह वहीं पसा रही हूँ। और ये रहा हमारा दरवाज़ा, ये भी भाभी का ही दरवाज़ा हम ला के लगाए हैं। और सेंटर आने के बाद ये है कूलर, वो भी दूसरा किसी का भैया बनाने के लिए लाए। और इधर है मानसी का झूला, इसमें खिलौना, इसमें सूज है ये मानसी का। और ये हमारा पानी रहा, और ये मानसी का गाड़ी रहा, और इधर फोटो वगैरह हमने लगाए हैं भगवान जी का। और ये हमारा दोनों कुर्सी रहा, इस पर हम कभी कभी वीडियो वगैरह बैठ के बनाते हैं, यहाँ मोजा वोजा पसा रही हूँ अभी मैं। और ये टूटा हुआ कुर्सी रहा, जो कि हमारे शुरुआती दौर में ये बहुत साथ दिया हमारा, इसी पे हम बैठ के वीडियो बनाते थे। और ये मोटर है जो साइड का ये। और उधर सब है तो कूलर है, बिगड़ा हुआ सा सारा कुछ। और इधर हमारा घर का दरवाज़ा आ जाता है, इसमें हम एंटर करते हैं अंदर। और अंदर आने पे फर्स्ट नंबर में आपको वहाँ मंदिर दिख जाएगा फ्रिज पे। और ये अभी मान लीजिए इसको बिछा के रखी हुई है, इस पर कुत्ती है, जंपिंग करती है। और इधर आने के बाद हम खाना वाना बनाते हैं, ये सब सामान है। इधर नमक तेल रखते हैं, उधर भी आलू सब्जी है। और यहाँ बर्तन रखते हैं, इस पर भी कोई कोई बर्तन रखते थे। एक्चुअली इसमें आटा है और इसमें चावल है, ये इसमें आटा हम बना सानते हैं। और इसमें मानसी के पापा का सामान है, लाइट वगैरह का, ये अंडा मानसी के पापा लाए थे। और ये मानसी का पाउडर है, और खुला मतलब सारा कुछ सामान इसमें रखते हैं। और फ्रेंड, एक्चुअली मानसी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और एक सामान हम मिस कर गए जो एंटर नहीं पड़ता है। ये रहा हमारा वाईफाई है। और उसके बाद रहा ये मेरा फ्रिज, और इस पर हमने भगवान जी को अस्थाई किया है। और ये रहा मेरा अलमीरा, और इस पर हमने बैग वगैरह रखा है, एक शेर है उसको रखा है। और बाकी इधर सारा ये सारा मतलब बर्तन है, इसमें कांच का ये सब रखे हैं। और एक है ये भुड़की, उसको हम पैसा रखते हैं उसमें, इसलिए हम लोग भुड़की बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना। और इसमें तो मतलब कपड़ा वगैरह है, मेकअप का सामान आप लोग जानते ही हैं। और ये रहा हमारा छोटू सा रिंग लाइट, लेकिन बहुत बड़ा है, 16 फीट है कि कितना है, बहुत बड़ा है। और ये रहा हमारा बूफर, और बैक कैमरा से हम दिखाते हैं आपको अच्छे से इससे, मतलब बैक, हाँ फ्रंट से ऐसे से नहीं दिख रहा होगा। और ये हमारा बूफर रहा, ये मानसिक दवा रहा, ये मेरा चंपरास, मेरा तेल, और इसे हम वीडियो बनाते हैं। और इसमें सामान वगैरह रखती हूँ, कुछ मेकअप का दवा वगैरह। और ये रहा हमारा टीवी, लोग देख सकते हैं, और इस पर हम कपड़ा रखते हैं। और ये एक्चुअली मानसिक पापा बनाने के लिए लाए हैं, और ये मानसिक का बॉल। और इधर भी हम लोग सामान रखते हैं, इसमें भी सब्जी वगैरह रखते हैं। और मानसिक पापा, मानसी अभी सोए हुए हैं, है ना, बाय, गुड नाइट। और मानसी भी देखो कैसे देख रहे हैं, पापा के पास सोई है। और इधर मानसिक पापा खरीद के लाए थे मथुरा से, ये वाला फ़ोटो वो हमने लगाए हैं, बहुत हमें प्यारा लगता है ये फ़ोटो कृष्णा भगवान का। और इसमें मानसिक पापा अपना मतलब ग्लास वगैरह रखते हैं, लाइट का सामान इस पर मैं भी रख लेती हूँ कुछ कुछ। और ये हमारा हीटर, मतलब आज अपना वीडियो बनाना है तो भाई साहब सज धज की पहचाने में नहीं आ रही है। हाँ, मेरी कजलिया ही है। हाँ, इतना सज धज की उसी टाइम से बना रही है। हाँ। और मेरे को डांट डांट के मानसिक को, मेरे को डांट डांट के सुनाई है तो आपको बहुत परेशान कर रहे।
और वो हमारा लिपस्टिक लगा के कान में लगा मेरे वीडियो में से खुल जान के सी आ जाते हैं। हाँ कहाँ। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो वो ग्रीन पार्था है, उस पर हम पहले वीडियो बनाते थे, अब भी बनाएंगे, इसलिए रखे हैं धो के, उसको सही करना है। अभी एक्चुअली उधर टीन है इसलिए उसको टांगे हैं, तो वीडियो में और ख़राब मतलब दिखता है। आप लोग बोलते हो कि ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, इसलिए हम सोचते हैं जितना हो सके उतना मतलब करते हैं, हमसे होता है। और घर अच्छा नहीं लगता इसलिए ना, क्योंकि ये जो घर है वो बिल्कुल एक डब्बा जैसा है, मतलब कुल मिलाकर है, तो इसमें ना अंदर से वायरिंग नहीं है ना, तो तार बाहर दिखता है, तो इसको मतलब ऐसे देख सकते हैं, अच्छा नहीं ये सब देख सकते तार वार से बाहर तार वार अंदर होता है ना साफ सुथरा दिखता है, और फेंट वगैरह है रेता वगैरह गिरता रहता है, रेता वगैरह गिरता रहता है, इस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिखता। बाकी मेरा घर है तो हमें छत मिला है, तो हमारे लिए तो घर है, स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ हमारे लिए तो एक घर छत दिया है ना, इसी में हम रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए कमेंट आता है ना कि मिथुन का घर अच्छा नहीं लगता है, तो ये वायर दिखता है, ये दिखता है, तो हम अंदर कैसे करें, जैसा मिला है वैसा ही है, सुखी से जिंदगी कट रहा है। हाँ, सुख से हम लोग मतलब खुशी से रह रहे हैं। हाँ, और एक ही रूम में आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं सीमेंट से लिपी थी दोस्तों, हाथ से मेरा हाथ भी कट गया था, बट ये एक एक करके छूट रहा है, और जहाँ ज़्यादा जोर पड़ती है वही छूटता है। और देख सकते हैं ऐसे मतलब सीमेंट से हमने लिप रखा है, मिट्टी नीचे नहीं है, बाकी कई लोग बोलते हैं कि मिट्टी वगैरह, और यही सब के वजह से अच्छा आप लोग को रूम नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक ही रूम है, इधर खाना बनाते हैं, इधर चावल रखे, इधर फ्रिज है, इधर भगवान जी है, और इधर ये सब आप लोग देख ही सकते हैं, एक ही रूम है। जो आते हैं वो देखते हैं कि वीडियो में कितना बड़ा दिखता है और ऐसे कितना छोटा है, वो लोग समझते हैं। और इधर भी देखिए चारों तरफ मतलब तार ही तार है, और इधर पर्दा हम आपको बाथरूम में लेके चलते हैं, और बाथरूम में एक वॉशिंग मशीन है, और इधर टॉयलेट है, और यहाँ पानी है, तो इधर हम लोग नहाते वगैरह है। और क्या बोलना चाहेंगे आप, कुछ लाइक करो फॉलो करो। हाँ बाप रे, तो दोस्तों देख सकते हैं ऊपर भी हमने लाइट लगा रखा है, बहुत सारा लाइट लगा रखा है वीडियो अच्छा आने के लिए। तो और आप लोग को मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ मानसी का तो आप लोग जानते ही खेल के लिए, और इधर मानसी का टॉय वगैरह रखा हुआ है, इधर हमने जो वाला था गैस सिलेंडर उसको इधर रखा है, इसमें सब्जी रखते हैं, इधर मानसी का चप्पल रखते हैं ताकि डोगी लेके ना जाए, और एक बाल्टी रखे हैं बस, और इसमें चप्पल रखे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, और आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट में बताना है ना मानसी पापा जी, बिल्कुल कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काजल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमको नहीं सब्सक्राइब करना बहुत, काजल का है मेरा मतलब दोनों का, हाँ, चैनल हम दोनों है, काजल का है ब्लॉग, तो हमें सपोर्ट कीजिए। एंड अभी मैं आप सबका रिप्लाई कर रहा हूँ मेन चैनल पे, और मेरा तबीयत हो गया है खराब, जैसे की मैंने बताया था बहुत सारा भीगा है दोस्तों, तो इसलिए नाक जाम हो गया, इसलिए आवाज ऐसा आ रहा है, तो अभी मेडिसिन लूंगा। और नाइट में दोस्तों तो मेरे को डर भी लगता है दो चार दिन से, और की बारिश आ रहा है जाते उसी तरह तार नोच नाच बुताते हैं, क्या क्या करते हैं, डीजे वीजे चालू करते हैं, बहुत डर लगता है। आप लोग का सपोर्ट और प्यार ज़्यादा रहा तो हम बहुत जल्द मतलब लाइट के काम से छुटकारा पा जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत रिस्की काम होता है, बट कुछ ना लाइट में काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है लाइट काट के कर जाए, क्योंकि केबिन है ना बारिश से भीगा रहता है, उसमें थोड़ा सा डर लगता है कि पानी में भीगे हुए बहुत ज़्यादा करंट फैलता है, इस वजह से ज़्यादा डरती रहती है, लेकिन मेरे को डर नहीं लगता, वैसे काफ़ी दिन हो गया ना एक्सपीरियंस, तो उतना डर नहीं लगता, लेकिन लाइट किसी का हुआ नहीं है ना ही होगा, तो इस चीज को भी मानना चाहिए है ना, बट कोई ना काहे उदास होते हैं, कुछ दिन का बात है, फिर नया काम ढूंढ लेंगे, और अच्छी खासी ऐसे ही हमारी YouTube फैमिली सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो हम बहुत जल्द घर बनवा लेंगे, फिर हमारा टेंशन ही खत्म। हाँ, एक कुटिया रख के वहीं राम मड़िया में रहेंगे, अपना कोई दुकान कर लेंगे, लाइफ टाइम के लिए कुछ चाहिए ना इसलिए, और मानसी को भी वहीं पर देखेंगे उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, हम तो सोच रहे हैं इधर ही नोएडा में ही सही है। और चलिए हम आप लोग को खोल के अपना अलमीरा दिखाते हैं क्या क्या रखे हैं। और फ्रेंड एक चीज़ आप लोग को दिखा दूँ जो कि बहुत प्यारा है, ये हमने लिया था आगरा से, जो कि ताजमहल है, मानसी पापा मेरे लिए लिए थे, आप लोग देख सकते हैं, इसमें किड़किड़ी सा है, बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा दिखता है, इसको हम साफ वूफ करके रखे इस पर, अच्छा लगता है। अलमीरा में रखे थे तो मानसी इसको खेलने के लिए बाहर निकाली, तो इसको हमने ऊपर रख दिया यहाँ रख। और चलिए हम आप लोग को अपना अलमीरा खोल के दिखाते हैं इसमें क्या क्या रखे हैं। तो कपड़ा ये बहुत सारा सारा मीशो का है, हम खरीदे रहे हैं, देखिए मानसी का टोई टोई, और हम टंके कपड़ा नहीं रखते, आपको कमेंट मत करना कि इसको खुला के रखती है, क्योंकि टांगने वाला वो नहीं है ना, इसलिए
चपेट चपेट के रखते हैं ताक करके, आप लोग देख सकते हैं सारा कपड़ा इधर भी कपड़ा है तो इसे बंद हो जाए। इसमें मेकअप वगैरह रखी हूँ बस ये, और इधर मानसी का पापा का जीन्स वगैरह रखी हूँ, ये पता ना कौन सा मॉडल जीन्स लेते हैं, पहनते नहीं है, और ये सब रखी हूँ। आप लोग बताना कमेंट में कैसा है। और यहाँ इतना अच्छा अच्छा स्टिकर चिपका हुआ था, मानसी सारा इसको मांग मांग के रो रो के ही कर दी है, इतना सुंदर दिख रहा था। तो चलिए और देखिए मानसिक पापा के सब कहाँ रखे हैं टमाटर। और बेटा हेलो बोलो फ्रेंड लोग को जल्दी, हेलो फ्रेंड पपी डेडू पपी डेडू, बहुत परेशान कर रहे थे दोस्तों उसी टाइम, टाइम नहीं मिलता है ना, आप लोग समझ सकते हैं, सारा काम धाम करना होता है, मानसिक को ये करना होता है, ब्लॉग भी देना होता है कुछ। तो फ्रेंड अभी मानसी को दिखाते हैं क्या कर रही है, देख लो आप लोग, दिख रहा है वो मानसी पापा, हाँ। देखो शीशा में फेसलिंग लगा रही है ना, और उसको हम मना के आए हैं यहाँ पर मानसी के पापा के पास। मेरा आवाज़ पता ना क्यों नाक से निकल रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ तब मुंह से निकल रहा है, बल्कि नाक से निकल रहा नाक जाम हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो दोस्तों आप लोग ढेर सारा कोई बात नहीं, तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दोस्तों लोग से बात करें तो दोस्तों ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम अपना घर किसी तरह एक बनवा लें, ये भी तो मेरा घर है, बट हमारा घर कब होगा आप लोग कमेंट में बताना कि अपने घर में हम कब रहेंगे, मेरा घर कब होगा। तुम्हारा पति है ना, बनवा दूंगा अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट रहे तो, और जिस दिन बनवाएंगे ना उस दिन मतलब क्या खुशी होगी वो आप लोग वीडियो में देखना, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पैर ज़मीन पे रहेगा, मेरे को लग रहा है कि इतना कूदूंगा कि खुशी के बारे है ना डांस करेंगे है ना, वो खुशी का पल ही सोच के इतना खुशी होता है, सोचो कि उस टाइम कितना खुशी होगा। चलो बाय द वे आप लोग समझ रहे होंगे क्यों घर घर करते हो, तो एज आप सबसे कहने से ना अनमोल चीज नहीं होता, हाँ तो हमें सुकून मिलता है उस बारे में बात करके, और करे तो करे किससे, आप ही लोग से करेंगे ना, आप ही लोग से ना कुछ भी हम शेयर करते हैं, इसलिए कह के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग उस दिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छे खुशी होंगे एकदम, एक एक रुपए जोड़ जोड़ के रख रहे हैं ताकि कैसे ही बना ले। तो दो दिन दोस्तों पता है आप लोग को, दो दिन तेल नहीं था और क्या नहीं था और सब्जी कुछ नहीं था, तो सत्तू था मतलब कुछ, तो दीदी से प्याज मांग के लिट्टी बनाई थी और चोखा भात बनाई थी, और फिर शाम को तेल मांग करके ये क्या बोलते हैं सब्जी चावल बनाई थी, फिर इस टाइम मानसिक पापा लेकिन फिर भी उसमें से पैसे हम लोग यूज नहीं किए, एक रुपए नहीं निकाले, और आज मैंने किसी को दिया था 1000 रुपए तो वही मांग के लाया था, किसिया और कहीं होता लीला छपोले, उसी में से हम लोग मतलब कि 1000 में से कुछ पैसे के लाए हैं खरीद के, 500 का तो लाए थे, बाकी 500 है तो जब तक पेमेंट ना हो तब तक हम लोग उसी में से करेंगे अपना 500 में से, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में नीचे जरूर बताना, ठीक आओ तक काजल जल्दी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब अगर दोस्तों आप लोग को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, हमें सपोर्ट करना, ढेर सारा प्यार देना दोस्तों, आप लोग खुश रहना आबाद रहना, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद टेक केयर बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।